Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss continuous skilling. आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस स्किलिंग के बारे में पढ़ेंगे. ऐसे किलिंग के बारे में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं. किलिंग जो है आपका दो टाइप का होता है. पहला हो गया आपका इंटरमिटेंट किलिंग. लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटरमिटेंट किलिंग पढ़े थे. इंटरमिटेंट किलिंग आपका दो टाइप का होता है. पहला हो गया अपड्राउट इंटरमिटेंट किलिंग. दूसरा होता है आपका डाउन ड्राउट इंटरमिटेंट किलिंग. अपड्राउट में जो है आपका फ्लू गैसेस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए इसको अपड्राउट बोलते हैं. वही डाउन ड्राउट में जो है आपका फ्लू गैसेस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए इसको डाउन ड्राउट किलिंग बोलते हैं. आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस किल के बारे में पढ़ेंगे. किल आपका दो टाइप का हो गया, इंटरमिटेंट किल, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस किल. ठीक है, इंटरमिटेंट किल में क्या होता था कि आपका लोडिंग, फायरिंग, कूलिंग और अनलोडिंग ये सब जो है आपका साइमल्टेनियस नहीं होता था. मींस कि अगर लोडिंग हो रहा है तो उस समय फायरिंग नहीं होगा. लोडिंग जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही फायरिंग होगा, फिर फायरिंग जब हो रहा है तो उसके बाद कूलिंग होगा, ठीक है, उसके बाद अनलोडिंग होगा. मीन्स एक ऑपरेशन कंप्लीट होगा तभी दूसरा स्टार्ट होगा. लेकिन कंटिन्यूअस किल में ऐसा नहीं है. कंटिन्यूअस किल में क्या होता है, सब साथ में चलते रहता है. लोडिंग भी हो रहा है एक जगह से, दूसरा जगह फायरिंग भी हो रहा है, तीसरा में कूलिंग भी हो रहा है, अनलोडिंग भी हो रहा है. मीन्स साइमल्टेनियसली ये चलते जा रहा है, कंटिन्यूअस रहता है, इसीलिए सबको कंटिन्यूअस किल बोलते हैं. कंटिन्यूअस किल्न आपका तीन टाइप का होता है. पहला हो गया बुल्स ट्रेंच किल्न, दूसरा हो गया हॉपमैन किल्न, तीसरा हो गया टनल किल्न. तो वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले बुल्स ट्रेंच किल्न देखेंगे. तो बुल्स ट्रेंच किल्न जो है आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है इन प्लान. मीन्स अगर ऊपर से हम लोग देखें बुल ट्रेंच किल्न को तो सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. इस केस में आप देखेंगे पार्सियली सर्कुलर है या फिर ओवल, बोलिए ओवल शेप का है बुल ट्रेंच किल्न. ठीक है, ये आपका फुली अंडरग्राउंड भी रह सकता है और पार्शियली प्रोजेक्टिंग अबव द ग्राउंड भी रह सकता है. इसका मतलब कि अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका फुली अंडरग्राउंड रहे या हो सकता है कि पार्शियली अंडरग्राउंड रहे. ये आपका किल्न जो है हल्का पार्शियली साइड से अगर हम लोग देखें, इस साइड से देखें तो पार्शियली अंडरग्राउंड रहे. अगर पार्शियली अंडरग्राउंड है मतलब थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है. तो अगर पार्शियली अंडरग्राउंड रहता है तो हम लोग यहाँ पर रैंप प्रोवाइड करते हैं ताकि इंसान आराम से अंदर जा सके. आगे देखते हैं इसमें होता क्या है. रॉ ब्रिक्स जो होता है, ठीक है, जो भी कच्चा ब्रिक्स है जिसको हम लोग को बर्न करना है, पकाना है, तो उसको कहाँ रखा जाता है, दोनों वॉल के बीच रखा जाता है. ये आपका इनर वॉल हो गया, ये आपका आउटर वॉल हो गया, ठीक है. ये इनर वॉल है, ये वाला इनर वॉल है और ये आउटर वॉल है. तो इसके बीच में आप देख सकते हैं कि ब्रिक को रखा गया है, ठीक है, यहीं पे ब्रिक को रखा जाता है. और इसमें एक और खास बात है कि आपका जो ब्रिक है वो अपने ही जगह रहेगा और जो फायर होता है, ठीक है, जो फायर होता है वो रोटेट करता है, यहाँ से रोटेट करते जाता है, ठीक है, वो रोटेट करता है पूरा किल्न का. नेक्स्ट क्या है, एक सेंट्रल चिमनी जो है प्रोवाइड किया जाता है बीचों बीच, ठीक है. सेंट्रल चिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि ये जो है मेन सप्लायर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है. यहीं से ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे देखिए सेंट्रल चिमनी है, यहीं से ऑक्सीजन जो है एंटर करता है. तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे आपका इनर वॉल और आउटर वॉल में ब्रिक्स को प्लेस करते हैं हम लोग. और ये सेंट्रल चिमनी जो है आपका, ये आपका मेन सप्लायर है ऑक्सीजन का, ठीक है, और फायर रोटेट करता है इस किल्न में. आगे बढ़ते हैं, इसको तीन जोन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस किल्न को, बुल ट्रेंच किल्न को. तो ये है आपका कूलिंग जोन, फायरिंग जोन, प्री हीटिंग जोन, ठीक है. कूलिंग जोन क्या हो गया, ये अगर ध्यान दे तो ये आपका जो है, ये पोर्शन जो है ये है कूलिंग जोन,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये है आपका कूलिंग जोन जो रेड में है। फिर ये जो येलो, हल्का येलोविश है, ये हो गया आपका फायरिंग जोन, और ये है आपका प्री हीटिंग जोन। ठीक है, ये प्री हीटिंग जोन है। कूलिंग जोन में क्या होता है, कूलिंग जोन में आपका ब्रेक जो है कूल होता है, ठीक है, जैसा नाम दिया हुआ है। फायरिंग जोन में क्या होता है, इसमें मतलब कि बर्न किया जाता है ब्रिक को, ठीक है, इसीलिए इसको फायरिंग जोन बोलते हैं, इसमें बर्न किया जाता है ब्रिक्स को। ये प्री हीटिंग जोन है, प्री हीटिंग जोन हम बताए थे कि प्री हीटिंग ब्रिक में काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह ना रहे, ना आपका कोई वेजिटेटिव मैटर वगैरह रहे, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, ठीक है। तो प्री हीटिंग जोन ये है, मीन्स प्री हीटिंग में हल्का सा हीट किया जाता है। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्री हीटिंग जोन में हम लोग हल्का हीट कर देते हैं, इतना हीट कर देते हैं कि उसमें वेजिटेटिव मैटर कुछ नहीं रहे, और कोई भी मतलब थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट नहीं रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग ब्रिक को प्लेस कर दिए, तो हम लोग एक ऊपर से लेयर लगाते हैं, वो है रबिस लेयर, ठीक है। इसको इसके जस्ट ऊपर रखा जाता है, ये रबिस लेयर हो गया, इसको रखा जाता है। अब ये करता क्या है, ये जो किल्न है ना, किल्न को लीक प्रूफ बनाता है, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे हीट करेंगे तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा सराउंडिंग में, यानी एनर्जी लॉस एकदम नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए रबिस लेयर को ऊपर से लगाया जाता है, और ये जो लेयर है इसमें आपका होल्स रहता है, ठीक है, होल्स रहता है। यहाँ पे अगर इसको आप इस फिगर में देखिए, ये वाला होल्स है, ये यहाँ पे, तो ये होल्स है, और यही होल्स के थ्रू जो है ना हम लोग फ्यूल डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे फायरिंग हो रहा है, तो फायरिंग के लिए हम लोग को फ्यूल चाहिए ना, तो फ्यूल कहाँ से एंटर करते हैं हम लोग, यही होल से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा स्पून के थ्रू हम लोग फ्यूल को डाल रहे हैं। अगर इसके जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये स्पून है, यहाँ से फ्यूल डाले, तो ये फ्यूल जो है ब्रिक के डिफरेंट डिफरेंट लेयर में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये फ्यूल जो है स्टोर होते जाएगा, बॉटम में भी होगा, इस लेयर में भी होगा, इस लेयर में भी होगा, हर एक होल से हम लोग फ्यूल डालते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका वर्किंग देखिए, अब क्या होता है, फ्यूल भी हम लोग डाल दिए, ब्रिक को प्लेस कर दिए, अब ये कैसे काम करता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको बर्न कर देंगे, फ्यूल जब प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल्स है, होल वगैरह है, ठीक है, इसको फ्लू होल्स बोलते हैं। तो यहीं पे से हम लोग बर्न करते हैं इसको, ठीक है, फायरिंग जोन में बर्न कर देंगे। अब होता क्या है, इसको अब देखिए, किल्न को अंदर से सबसे पहले कूल एयर जो है एंटर करता है किल्न में, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कूलिंग जोन है, ये वाला कूलिंग जोन था, ये कूलिंग जोन है, आइए फायरिंग जोन है, इधर साइड वाला फायरिंग जोन है। खैर, अभी हम लोग कूलिंग जोन पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये कूलिंग जोन है, तो कूलिंग जोन में जो है आपका कूल एयर यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है। वो एंटर किया तो यहाँ का ब्रिक जो है आपका पूरा कूल हो जाएगा, ठीक है। फिर एंटर करते करते वो फायरिंग जोन में आता है, ये सेकंड फिगर में आप देखिए, एंटर किया तो अब ये फायरिंग जोन में आ गया, ये वाला फायरिंग जोन है आपका। फायरिंग जोन में क्या होता है, फायरिंग जोन में जो आपका एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बर्न हो रहा होता है कब्रिक, तो ऑब्वियसली एयर का जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा, तो ये पूरा ड्राई एयर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ड्राई एयर लाइटर होता है, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है, ऊपर डायरेक्शन में अगर एयर मूव करेगा तो नीचे नीचे का जो ब्रिक्स होता है, यहाँ पे जो नीचे दम ब्रिक्स है, उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो वो अंडर बर्न हो जाता है, मतलब कि वो बढ़िया से बर्न नहीं कर पाता है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग को अमाउंट में गुड ब्रिक्स मिलता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एयर का डायरेक्शन जो हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, फिर ये एंटर करता है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फिगर में एंटर करता है प्री हीटिंग जोन में,
ये वाला जो है आपका प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन में ये ड्राई कर देता है पूरा आपका ब्रिक को, और इतना हीट कर देता है कि उसमें कोई वेजिटेटिव मैटर वगैरह ना रहे हैं और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे तिरपाल वगैरह लगा देते हैं जिससे ये बाहर नहीं निकल सके, तो ये एंटर करके चिमनी के थ्रू बाहर निकलता है एटमोसफेयर में, ठीक है। तो ये पूरा वर्किंग है आपका बूस्ट ट्रेंच किल्न का। सबसे पहले एयर एंटर किया, यहाँ पे फायरिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आग लगा हुआ है। एयर यहाँ से एंटर किया, एंटर करता है तो यहाँ पे कूल एयर था, तो कूल एयर जो है आपका वो क्या करेगा, इसको कूल कर देगा ब्रिक को। फिर धीरे धीरे वो फायरिंग जोन में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हॉट एयर हो जाएगा। हॉट एयर लाइटर होता है तो ये ऊपर चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्री हीटिंग जोन में एंटर करेगा। प्री हीटिंग जोन में इसको, चूंकि ये पूरा गर्म एयर है अभी, तो ये क्या करेगा, पूरा इसको ठंडा कर देगा, जो प्री हीटिंग जोन में ब्रिक रखा हुआ है उसको, सॉरी ठंडा कर देगा बोल रहे हैं, ये हीट कर देगा, प्री हीट कर देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उसके बाद ये चिमनी के थ्रू जो है, सेंट्रल चिमनी जो है उसके थ्रू जो है एटमोसफेयर में, सराउंडिंग में चल जाता है। कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस तो वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस आर प्रोड्यूस, ठीक है। हार्मफुल गैसेस इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि प्रॉपर बर्न हो नहीं पाता है ब्रिक्स, तो वो क्या करेगा, हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करेगा। दूसरा क्या, आपका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी आया है, क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है तो इसमें उसको बनाने में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। थर्ड क्या, ब्रिक्स बिलो आर अंडर बर्न्ड। तो यहाँ पे हम बताए हैं फायरिंग जोन में क्या होता है कि एयर जो है ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है, तो नीचे का ब्रिक्स को सुटेबल अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, नीचे का ब्रिक्स आपका अंडर बर्न रह जाता है। फोर्थ चीज़ क्या है कि स्किल्ड सुपरविजन चाहिए, यहाँ पे जो इंसान काम करेगा वो काफ़ी स्किलफुल होना चाहिए, जो अनस्किल्ड है वो नहीं काम कर सकता है, तो इसीलिए ये जो ब्रिक बनता है इसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। अभी तक हम लोग देख लिए बुल्स ट्रेंच स्किल के बारे में, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हॉफमैन स्किल देखेंगे, टनल किल देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।